बोलो। बच्चे, आज मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ की जलवायु, भूमि भिन्नता के कारण यहाँ पर विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य प्रकाश की मुख्य फसलें तीन प्रकार की हैं, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल वही दोहरी नहीं किसे कहते हैं? खरीफ फसल वह फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर में या काट ली जाती है, या अक्टूबर तक पककर तैयार हो जाता है। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, धान। तीसरा है रबी फसल। रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी ठंडा के मौसम में, और मार्च महीना में यह फसल पक करके तैयार हो जाती है। जैसे गेहूं, मटर, चना। सरसों। तीसरा है जायद। यह फसल मार्च में बोई जाती है और यह ग्रीष्म ऋतु का फसल है, यानी यह मई तक पक कर के तैयार हो जाती है। जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, यह गर्मी के मौसम के अंत तक तैयार हो जाने या समाप्त हो जाती है। यह तीन फसलें हैं। यह मुख्य रूप से इन्हें याद करके मुझे प्रश्न हल करके तीनों फसल के बारे में उत्तर तैयार करें।